सब मुंबई में भी ठंडी शुरू हो चुकी है बिकॉज अभी कुछ बज रहे सुबह के 7:34 हो रहे हैं। मैं निकला हूँ घर से कुछ अराउंड 7 बजे एंड हाईवे मैंने टच किया तो मेरे यहाँ पे इतना नहीं लगा, लेकिन हाईवे जैसे टच किया ना जो ठंडी का ऐसा बोलते ना कपकपाहट शुरू हुई कि बोला चाय तो बनती है ऐसे मौसम में। तो अपन रुके एक ऐसी जगह पे, ये हाईवे है तो, और सही बात बोलूँ तो ठंडी में टपरी का ही चाय पीने का बेस्ट होता है। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज भी हम निकल चुके हैं एक नई अलग जगह पे। ये है मेरे घर से अराउंड है 15 किलोमीटर पे। तो ये जगह तो मैं तुम लोगों को जाके ही दिखाऊंगा एंड मैं मिस कर दिया वो जगह पे। सनराइज़ देखना बहुत बहुत सुपर होता है, लेकिन अभी क्या है ठंडी शुरू हो गई है तो सुबह उठना थोड़ा भारी पड़ता है ना, तो लेट हो गया अपन एज ऑलवेज। तो अभी निकलते हैं फटाफट एंड मैं आप लोगों को स्पॉट पे जाके तो गाइज फाइनली इतनी जगदो क्या बोलते हैं उसको, इतनी मेहनत करने के बाद मैं आया हूँ, आखिरकार पहुँच ही गया। मेहनत बोलेगा तो मतलब यार फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे तो भरोसा करो ही मत यार, मैं लाइक फिर भी मैं कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत रास्ता दिखा देता है। और इधर भी कोई नहीं है यार, मेरा मतलब मैं जिधर भी आता ना उधर कोई नहीं रहता। यहाँ पे एक तो आने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया, मैं वही रास्ते से ना 3 बार ऊपर नीचे किया मैंने, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मिला। मैं दिखा था पहले थोड़ी हेलमेट रख दिया, मैं वही रास्ते से ना 3 बार ऊपर नीचे किया मैंने, ऐसे गया फिर रिटर्न आया, लेकिन वो रास्ता ही नहीं दिखा मेरे को जो राइट था। फिर एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जा सीधा सीधा रास्ता पकड़ के तो तू पहुँच जाएगा तेरे डेस्टिनेशन पे। एंड वी आर हियर। इधर कितना भी जोर से चिल्लाओ तो किसी को नहीं सुनाई देने वाला बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं। लोकेशन देखो, सनराइज़ हो चुका है। मैंने बोला था ना वीडियो में कि यहाँ पे अगर मैं जल्दी आता तो मुझे सनराइज़ देखने मिलता, अभी तो ये ऊपर आ चुका है तो बहुत सुपर व्यू आता है सनराइज़ का, मैंने देखा था। एंड ये अनएक्सप्लोर्ड है, ये जगह को किसी ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है तो हम आ गए एक्सप्लोर करने। एंड भाई साहब सुबह अभी तो इतनी ठंडी नहीं लग रही, बट सुबह सुबह सच्ची में यार झूठ नहीं बोलूँगा ठंडी शुरू हो चुकी है मुंबई में। सुबह सुबह ठंडी लग रही थी मुझे, लाइक लिटरली बाइक पे ना ऐसा फील हो रहा था कि भाई ठंडी है, लेकिन हाँ उतनी ठंडी नहीं थी जितनी मैं वो मेरा अगर वो सतना वाला व्लॉग किसी ने नहीं देखा तो देख लो यहाँ पे है आ रहा होगा, देख लो आई बटन पे। उतनी ठंडी नहीं थी, वो ठंडी तो गजब थी भाई। आई मिस दोस डेज यार, सीरियसली शोज पे जाता था मैं, मज़ा ही अलग था वो दोस्तों के साथ ग्रुप के साथ, अच्छा लगता था बहुत। कब शुरू होगा सब क्या पता है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब मेरे शोज शुरू हो, मैं फिर से शोज पे जाऊँ मेरे। वो बात छोड़ो, ये रास्ता देखो आप लोग। यार सुपर्ब है ना, इस तरफ पानी इस तरफ बस्ती है शायद, आई डोंट नो। सूर्य देवता आ चुके हैं सर पे एंड आई होप क्लियरिटी बहुत तगड़ा दे रहा होगा बिकॉज सूर्य देवता आ चुके हैं हमारे चेहरे पे तो क्लियरिटी चुम्मा देता है। चलो फिर आगे जाते हैं उधर बिकॉज मुझे ना वो स्पॉट पे जाना है, वहाँ पे थोड़ा बैठ के आराम करना है। चलो उधर जाते हैं। गाइस हमारा पॉइंट आ चुका है जहाँ पे हमको बैठ के थोड़ा आराम करना है, वो है यहाँ पे। ये देखो
गाइस ये जगह है ना बहुत क्लीन है, तो अगर यहाँ पे कोई आ रहा है तो प्लीज गंदगी मत करना। वाओ यार मछिया, अंडर वाटर शॉट देखना है, चलो देखते। मछिया ही मछिया है, इतना अमेजिंग लग रहा है यार। सुबह सुबह किसी का आवाज़ नहीं यहाँ पे, किसी का भी, सिर्फ मैं अकेला हूँ ये पूरे घने वादियों में। कोई होगा तो आई डोंट नो, बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही। ट्रेन का आवाज़ है, हाँ यहाँ से पटरी है ना, जैसे आप लोगों ने आने के टाइम पे देखा होगा यहाँ पे नज़दीक में पटरी है। एंड मैं इसकी बात कर रहा था यहाँ पे, कि यहाँ पे बैठ के प्लीज़ कचरा मत करना, कोई भी आ रहा है तो बहुत साफ़ सुथरा है ये चीज़। थोड़े बहुत चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, बट फिर भी बाकी जगह उसे बहुत साफ़ सुथरा रखा है इस चीज़ को। तो प्लीज़ यार कोई भी आएगा तो प्लीज़ कचरा मत करना। एंड ये जगह आप लोग देखोगे ना तो ये देखो ऑलमोस्ट वांद्री जैसा फील आता है, पहाड़ों पहाड़ बीच में पानी, ऑलमोस्ट वांद्री जैसा फील आता है यहाँ पे। आप लोगों ने वांद्री वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो, यहाँ पे है, बहुत अच्छा बना है यार। बट आई डोंट नो क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया उस पर इतना अच्छा। आज रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन कल तो मिलेगा है ना कभी तो मिलेगा। एंड अपन ने 650 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, सो बिग थैंक यू फॉर दैट। अच्छा लगता है मेरी फैमिली ग्रो हो रही है, मेरी यूट्यूब की जो फैमिली वो ग्रो हो रही है। अभी इस व्यू को एंजॉय कीजिए। वो जो अंकल है ना देखो उधर से जा रहे, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, वहाँ से जा रहे वो अंकल। मुझे नहीं पता था वहाँ पे जा सकते, वो अंकल है ना वहाँ से पूरा पानी से निकले और वहाँ पे गए। क्या मालूम खेती वेती होगी उनकी वहाँ पे शायद से। मुझे भी जाना था यार वहाँ पे, बट पानी से जाना पड़ेगा, अंकल को आदत है, अपने को पता नहीं उधर कितना पानी है। मुझे भी जाना तो था वहाँ पे, बट मज़ा है। वहाँ तक जा सकते हैं क्या? वहाँ तक लेट्स ट्राई, वहाँ तक जाने का, जाने मिला तो जाके आते, ठीक है। वो रास्ता तो गाइस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो अपन नहीं जा सकते उधर, कोई बात नहीं, बट यहीं से इंजॉय कर लो। ये देखो प्लान तो था यार वहाँ पे जाने का, होगा कहीं से तो रास्ता, बट क्या करे क्या करे भैया, कोई नहीं रिटर्न चलो। चलते नीचे। एंड गाइस दिवाली आ रही है, आई होप आप सबकी शॉपिंग हो चुकी होगी। आई नो इस साल जो मतलब जो खुद से अर्न करते हैं उन लोगों के, मेरे हमारे जैसे आर्टिस्ट लोगों के वांदे हो चुके हैं दिवाली में। बिकॉज़ यार सीधी बात है, हर साल हम लोग का अर्निंग हो जाता है उतना कि हम लोग सबको घर वालों को खुद के लिए बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इस साल उतना कुछ है नहीं बिकॉज़ पिछले 8 महीनों से कोई शोज़ नहीं है। आर्टिस्ट की लाइफ हेल हो चुकी है, आर्टिस्ट बेचारा कुछ भी कुछ काम कर रहा है जो मिल रहा है वो, ताकि अपना पेट पाल सके। कब नॉर्मल होगा सब, भगवान कब नॉर्मल होगा। भगवान के भी हाथ में नहीं है गाइस। ये रिफ्लेक्शन कितना सुंदर लग रहा है देखो, पहाड़ का पानी में, और ये पूरा रिफ्लेक्शन है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। मस्त लग रहा है ना। एंड मैंने ना थोड़े बहुत शॉट्स है ना सुपर व्यू में लिए, तो देख के बताना कैसा लगा।
और अंडर वाटर तो लास्ट टाइम देख ही लिया था, इस बार भी है, लेकिन लास्ट टाइम सिर्फ अपने को है ना 4 या 5 ही मच्छी थी उसमें, इस बार बहुत सारी मच्छी। आप लोगों को जितनी मच्छी देखनी है उतनी है, गिनते रहो और मुझे कमेंट में बताते रहो। टोपी निकल देता हूँ, ये टोपी तो ऐसे ही पहनी थी मैंने। सो गाइस बस दैट्स इट, यहाँ से अभी निकलेंगे। मन तो नहीं कर रहा लेकिन यार थोड़ा बाइक का भी काम कराना है जाके, तो अलविदा कहना पड़ेगा इस जगह को। बाय बाय दोस्त, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो गाइस अपन पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास एंड अभी यहां से निकलेंगे। एंड मैं बताना भूल गया, ये लोकेशन का नाम है नेताजीज लेक, टाइटल में पता चल गया होगा आप लोगों को। एंड मेरे घर से ये अराउंड है कुछ 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हाईवे एंड 14 किलोमीटर्स फ्रॉम वो एक रास्ता है, यहाँ से मतलब अंदर से आने का नाएगा में मधुबनी से या किधर से तो है, वहाँ से 14 किलोमीटर्स यहाँ पे आ सकते हैं यार वन डे पिकनिक के लिए आप लोग। अच्छा है, मज़ा आएगा, बहुत ही सुंदर लोकेशन है, कोई भी आएगा तो प्लीज़ ख़राब मत करना। इसका नाम है नेताजीज लेक। और गाइस एक और बात, 10 नवंबर को तुम्हारे भाई का बर्थडे आ रहा है, तो यार 700 सब्सक्राइबर्स करा दो यार बर्थडे तक, करा दो करा दो। आई नो मैं बहुत लालची होते जा रहा हूँ दिन ब दिन, लेकिन यार करा दो यार, थोड़े से ही बचे, 700 सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट तो दे ही सकते हो, ज़्यादा नहीं 40-50 सब्सक्राइबर्स ही मांग रहा हूँ। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, टेल देम टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर अच्छा लगे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड दिवाली आने वाली, शॉपिंग करो मस्त मज़े करो, शायद से अभी दिवाली के बाद ही मिलेंगे अपन। बाय।